हे गाइस, सो जैसा कि अभी तक आपने देखा है कि हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, रास्ते काफ़ी सीनिक थे, लैंडस्केप काफ़ी अच्छा था और रोड्स भी काफ़ी अच्छी थी, तो हम लोग काफ़ी बड़ा एंजॉय किए। बट अब थोड़ा सा टफर पार्ट ऑफ द जर्नी स्टार्ट हो जा रहा है हमारा, जिस पास है सोमोरीवी का, क्योंकि तो रास्ते थोड़े से ख़राब होते जाएंगे और बीच में काटालूस ही पड़ेगा, वहाँ पर रास्ता बहुत टफ है और थोड़ा हमारा स्ट्रगल है काफ़ी यहाँ पर। सो कुछ स्ट्रगल का ही अब आगे देखेंगे। भैया इधर से आइएगा, राइट से जहाँ पे भैया खड़े हैं उस भाई वहां से, हाँ आप इधर से ही आएगा मैं कह रहा हूँ, ठीक है? राइट वाला टायर जहाँ भैया रखे उसके पास रखिएगा, तो देख सकते हैं गाइस भैया जहाँ पे उससे थोड़ा पहले, ठीक है देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ऐसी सिचुएशन तो 4x4 काफ़ी अच्छा काम करती है। पानी आ रहा है शायद यहाँ से ग्लेशियर का, इसीलिए पूरा टेरेन काफ़ी ख़राब है। हाँ लेफ्ट 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 ऑफ रोडिंग के लिए निकल गए हैं। ये रास्ता देखिए और ये देखिए, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं ऐसे घुमा के, ये ऐसे करके, ये वो हमारी कार है, यहाँ से हमको निकालना है। 4x4 ही बेस्ट रहता है, बट अगर आप स्किल्ड हैं तो आप निकाल सकते हैं किसी भी कार से, ऑल्टो से भी। बस यही होता है कि 4x4 में क्या होता है कि टायर्स बड़े होते हैं तो स्टक नहीं होती गाड़ी, एक बार में निकल जाती है। पता नहीं वीडियो में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, वहाँ पे अभी एक ट्रक का टायर फटा है, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रक है, वो जाना है, ठीक है। ये यहाँ पे इस टेरेन से होते हुए यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है। पानी का कुछ नहीं, बट वही पानी का जैसे पूरा रास्ता ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए थार अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटी चेक करवाते हुए, लेट्स सी हाउ डज थार डू। आप सिनेरियो देख लीजिए, मीन अली हो कहाँ रहा है, पूरे सामने ब्रिज है, इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन ब्रिज हो रहा है, ये ट्रक वाला शायद फंस गया है या कुछ हो गया है, ये थार है, इस ट्रक के पीछे हमारी कार है। अरे भाई लो पानी भर रहे हैं, बहुत बढ़िया। भैया हटिया भैया हटिया, क्या बात है। क्रेजी सीन्स हैं, वेट कर रहे हैं वहाँ पे, एक और ट्रक आते हुए काफ़ी यहाँ पे हम लोग लगता है टाइम लगने वाला, ऐसा लग रहा है। नाइस। मीनवाइल ये डे टू है फ्रॉम जिस्पा टू सोमोरीवी, जिस्पा टू सोमोरीवी लेक। वी आर गोइंग टू ले लद्दाख रीजन बट नॉट टू ले, वी आर गोइंग टू सोमोरीवी। अच्छा, इंडिया में कुछ चीज़ें बहुत ही बढ़िया होती हैं। अब उसको पानी भरना है तो उसने वहाँ पे ट्रक को बीच में रोक दिया है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, वो एक ट्रक आ रही है, मतलब ये लोग अपना पूरा सिस्टम भर रहे हैं, ट्रैफिक तो चलता रहता है। यहाँ से सामने ट्रक आ रहा है तो इसको मैं साइड हो जाता हूँ वरना काफ़ी ही ज़्यादा हो जाएगा। चार
इंडियन हॉर्न्स। गाड़ियाँ फंस गई यहाँ पे, गाड़ियाँ फंसी हुई, लोग जब निकालेंगे तभी वो गाड़ी आके फंस जाएगी। सोचिए यहाँ पे एक बंदे को पानी भरना है इसलिए अपना चल रहा है, पानी भरना और शायद बियर ले रहा है, सही है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। सोचिए वो देखिए, ये देखिए अपने हाथ में बियर लेते हुए, इसके वजह से इसलिए वो ट्रैफिक करवा रहा है। और ये गाड़ी यहाँ थार रुकी हुई है, राइट में है, यहाँ पे ये थार रुकी हुई है, ठीक है, ये थार रुकी है। ये आपका ट्रक यहाँ पे है, इसके पीछे एक और गाड़ी है वो भी ट्रैफिक पे है, ये एक और गाड़ी आ गई है, और यहाँ से ये इनको जाना है वो पीछे, सब ने सिर्फ एक आदमी को किसको बियर लेनी है, अब निकाल रहा है वो। इन भाई साहब को पानी लेना था, बियर लेनी थी, इसलिए इनको पूरा इन्होंने ट्रैफिक फंसा के रखा था। अब आप ये देखिए ऑफ रोडिंग, बढ़िया। अब देखिए ये सामने से हैं और ये सामने से हैं, और वहाँ पे इसके नीचे खाई है। तो देखिए अब यही होता है कॉमन सेंस, इतनी सी एरिया, इनको पता है कि एक ही जा सकता है, मगर दोनों लोग एक साथ लेके आ रहे हैं, ये भी और ये भी। तो अब इतनी अगर वही इतनी सेंस होती ड्राइवर्स में तो काफ़ी अच्छा होता है, इंडिया का कम ही एक्सीडेंट्स होते हैं। खैर अब इधर से निकाल, रिस्क है, ज़रूरत नहीं है, आप एक आदमी रुक सकता है दूसरा निकाल सकता है, बट वही है। अभी लोग खेलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे वो दूर हमारी कार खड़ी है इन सब ट्रैफिक के बीच में, नाइन मोबाइल होने के लिए बहुत लड़ाई के बाद कि हम पीछे नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ सोचा पीछे करने का, फिर फिलहाल आगे कर रहे हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। तो डर लग रहा है कि उसका फिसल जाएगा, फाइनली उन्होंने पीछे कर तो लिया, बट पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कितना पीछे करेगा, वहाँ से निकाले कैसे, क्योंकि वहाँ पे भी एक ट्रक है। सबको एरियाज मिलेंगे और ये मैं इसको अच्छे से कैप्चर करते हुए जैसा है सामने, सारा ऑफ रोड करने और करवाने के बाद कुछ ऐसा रुचि। गाइस अगर आप देख पा रहे हो ये ग्लेशियर पिघला हुआ पानी, देख रहे हैं ये बर्फीला टाइप का पानी, एकदम पानी बहुत ठंडा जमा, आधा पानी जमा हुआ है और आधा बह रहा है, यही बहुत ठंडा पानी। तो ये बेसिकली आपका लहरा से यही नीचे पिघल के नदियाँ बन जाती है, और यही हिमालय से जो हायर माउंटेन्स जो बर्फ पिघल के आता है। तो जो बोलते हैं कि हाँ हाँ भैया बताइए, ये देखिए हाँ एग्जैक्टली उस बर्फ पे आप ट्रैक करते हैं, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इंडिया का। तो बेसिकली यही आपका है, ये पानी आपका पिघल के आता है। मैंने इस लगा इसको रिकॉर्ड कर लूँ, हमेशा सुनते हैं ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, यही मेल्ट है। यहाँ पर पानी है जो कि नदियों का, हम लोग की दुनिया भर की नदियाँ गंगा यमुना सतलज यही जाके
बड़ी बड़ी नदियाँ बन जाती हैं, इन बड़े बड़े पहाड़ों से जो पिघल के जो नदियाँ बनती हैं। ये थोड़ी सी साइंस टॉक हो गई मगर ठीक है, हमेशा सुनते थे तो पता भी होना चाहिए। जब मैंने कहा था कि लद्दाख में बहुत लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, हमने हरे माउंटेन देख लिए, हमने स्नो कैप पीक्स देख ली, मगर आप ये देखिए, और आप ये देखिए, आप सब देख के लग रहा है किसी ने क्या बनाया है। देखिए अभी आपको सामने भी दिखाते हैं, देखिए लग रहा है किसी ने क्या बनाया है ऐसे। आई विश हमारी आंखें जो देख पाए, ये वीडियो तो कैप्चर नहीं कर सकता मगर जैसा है जस्टिफाई नहीं कर पाएगा मगर जो है। और ये देखिए सामने ऊपर, और ये देखिए सामने रोड शिव जी के साथ। अब आपको लगता है कि आपका मसूरी ट्रिप, मनाली ट्रिप कैसा कोई कंपैरिजन है, तो फिर आप देख लीजिए, मगर देख लीजिए क्या है ये। और सबसे मेन चीज़ पता नहीं आप वीडियो में किस इस वीडियो कितना आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, मगर जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम। ये देखिए बस देखते रहो, वाओ करते हैं। हाँ, हम बस ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आप रोडे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे दूर दराज में, यहाँ पे इस पूरे मतलब कितने सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर कोई नहीं रहता है, सिर्फ आर्मी और एक आध तो छोटे छोटे ढाबे, क्योंकि ठीक है क्योंकि लोग आर्मी के रहना जरूरी है। मीन वैली देखिए, ग्लेशियर का पानी कितना क्रिस्टल क्लियर। मैं आता हूँ इस टॉपिक के, मगर आप पानी का आप ब्लूनेस देखो, ब्लूनेस देखो कितनी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है तब यहाँ पे इतनी अच्छी रोड है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी जो भी है। एक्चुअल में मैं बताता हूँ यहाँ का रीजन क्या है अच्छे रोड्स को बनाने का। क्योंकि जो भी कभी मान लो कुछ भी सप्लाईज पहुँचाने के लिए, आर्मी को सप्लाईज पहुँचाने के लिए ये रोड बनाई गई है मेनली। हाँ, बाकी टूरिज्म में हेल्प कर रहा है, दैट इज अनदर थिंग, राइट। क्योंकि हमसे कहीं पे भी पैसा नहीं लिया गया, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है। आप जब लद्दाख में आते हैं, हाँ, 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है पर हेड बस, और हमसे कहीं भी चेक पॉइंट पे पैसा एक भी रुपए नहीं लिया गया। दैट मीन्स टूरिज्म इज फॉर फ्री फॉर श्योर, लेकिन ये रोड बनाया आर्मी के लिए गया है ताकि हम सप्लाईज इजीली पहुंचा पाए आर्मी को, बिल्कुल पेट्रोल जो भी उनकी नेसेसिटी है। एंड द गुड थिंग इज कि टूरिज्म से भी बहुत थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेजर पैसा नहीं लिया गया है कि जिससे आप बोल सके कि यहाँ की रो तो। मगर एक चीज़ मेरे दिमाग में भी आया, एक मिनट को, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि सोचिए जहाँ पे कोई नहीं रहता है और जहाँ पे ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी का है, वहाँ पे कितनी अच्छी रोड्स बन सकती हैं। मतलब इतने कठिन टेरेन में अगर इतनी अच्छी रोड्स बन पा रही हैं, इतनी अच्छी रोड्स बन पा रही हैं, और इतनी हैवी ड्यूटी ट्रक्स यहाँ पे चल रही हैं, मतलब सिर्फ हैवी ड्यूटी ट्रक्स यहाँ पे चलती हैं, और रोड्स की स्टिल अच्छी है क्योंकि यहाँ पे है लोगों का इनिशिएटिव जो भी है। मगर हमारे शहरों में फॉर एग्जांपल अगर बनारस की बात कर लें, मुझे लगता है 30 लाख लोग रहते हैं या उससे भी ज्यादा लाख लोग रह रहे हैं वहाँ की रोड। सिर्फ बनारस नहीं, बनारस कानपुर या कोई भी और शहर हो गया, लखनऊ के भी। और आपको पता है हर साल यहाँ पे बर्फ गिरता है फिर भी ये रोड का आप वो देखिए मेंटेनेंस ये करते हैं, हर एक आध दो साल में करते होंगे। इनफैक्ट हर टाइम यहाँ पे जब भी रोड टूटती है लोग तुरंत उसका मेंटेनेंस होता है, क्योंकि रोड तभी रहती है बर्फ के अंदर। फिर भी ये पूरा डिस्कशन इसलिए कि इन जैसे एक्सट्रीम टेरेन पे आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि अगर ऐसी रोड्स ना हो, तो हमारा सफ़र इतना ज़्यादा एक्सट्रीम। आप देखिए तो हम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये देखिए सामने देख रहे हैं कहाँ कहाँ से हम लोग आ रहे हैं। मतलब ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इतनी अच्छी रोड्स हैं, वरना इंसान नहीं सोच सकता इतनी एक्सट्रीम ट्रिप करने का। भैया हम लोग ब्रांडी ब्रिज आ गए हैं, और ये सीनिक व्यू देखिए आप यहाँ पे, बस अपने को चल रहा है। जब आप लद्दाख आएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको, बढ़िया नहीं सरकास्टिकली बढ़िया, काफ़ी थोड़े से टफ पैचेस मिलेंगे जहाँ पे एक बार में एक गाड़ी जा सकती है। ये हम पिछले से जा रहे हैं और सामने एक ही गाड़ी जा सकती है, कुछ ऐसा राइट में ऐसा लेफ्ट में ऐसे आपका ये सही तो है, रोड क्या दिक्कत है, पैच है आगे तो दिक्कत है, ये बना रहा है अभी, ये बना रहे हैं लेफ्ट के लिए, इस साइड इसके बन रहा है। आप बस सामने आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पे वैरायटी ऑफ रॉकी माउंटेन्स मिलते हैं, नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ रॉकी माउंटेन, वैरायटी ऑफ रॉकी माउंटेन्स। बजा दीजिए, हाँ वहाँ पे बजा दीजिए, ग्लेशियर का पानी सुनाई नहीं दे रहा है।
रफ रफ पैचेस भी आएंगे और ये हमारे उस्ताद आज तभी उस्ताद हमारे दिस ऑल गोना बी पार्ट ऑफ माय डेडू वी स्टिल हैव 200 किलोमीटर्स टू लेफ्ट एंड 6 आवर्स एंड एज यू ऑलरेडी नो बाय द टाइटल ऑफ दिस वीडियो really we are not expecting any mayday aap ye bas left mein dekhte rahiye agar aapko beauty pasand hai to aap dekhiye matlab aapko har main ye bhi nahi bolunga 2-2 minute mein har 30-30 second mein aapko left mein aise aise nature se beauty milti rahegi beauty mein hi hai yeah totally ye dekhiye aap bas like everywhere you pee like everywhere you see you find ये हमारी टाटा लूप की स्टार्टिंग हो रही है ये हमारा पहला लूप है और ऐसे कम से कम अभी तो ये स्ट्रेट रोड है इसके बाद से ये आपको क्या है कि ये ऐसे सीधे चलता जाएगा और उसके बाद फिर ऐसे करके कहीं से एकदम नीचे यू टर्न लेगा फिर यू टर्न लेगा बेसिकली आपकी जो नीचे नहीं ऊपर हाँ मतलब नीचे ऊपर जो भी है मतलब ये जैसे पिन होती है आपकी ऐसे इस शेप में तो उस तरीके से पूरा स्नेक स्नेक टाइप के शेप में या ऐसे हाँ एग्जैक्टली स्नेक शेप में पूरा चलेगा 12-14 इस तरीके से पिन हैं पूरे इस पूरे पैच ऑफ लैंड में रोड की भी क्वालिटी तो कुछ खास अच्छी नहीं है सिंगल लेन रोड है हाँ वही है तो थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी पीस ऑफ लैंड है इसीलिए इसको थोड़ा सा जो ट्रैक जो इस रोड के थ्रू जाते हैं उनको इसको नाम पता है घाटा लूप्स तो यहाँ पर हल्की सी स्किलफुल और आराम से गाड़ी चलाने की जरूरत है क्योंकि मल्टीपल लूप्स हैं ये देखिए गाइस यहाँ पे आपका हर जगह आप देखते हैं नो हॉर्न का साइन नो हॉर्न का साइन यहाँ पे हॉर्न का साइन है गाइस अभी देख सकते हैं घाटा लूप्स हम लोग चल रहे हैं और नीचे मल्टीपल लूप्स हैं ये भैया चला रहे हैं और ये कुछ सामने ऐसा ये सामने नहीं आप नीचे देखिए आप चलिए पहले आपको टर्न लेते दिखाते हैं कैसे यहाँ पे ठीक है ये सामने है ठीक है ऐसे चल रहा है और ये देखिए ये ऊपर ठीक है ये ऊपर हो गया अभी अभी वीडियो कंटिन्यूएशन में है ठीक है अभी जब हम दूसरे लूप से हम नीचे जब साइड वाइज दिखाएंगे तो हमको दिखाएंगे कितने इस तरह के हमने पिंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये सामने ऐसा कुछ है ठीक है और यहाँ पे आप कभी आते हो तो प्लीज़ रेगुलरली हॉर्न बजाते रहे क्योंकि एकदम इंग्लिश में ब्लाइंड टर्न हिंदी में अंधा मोड़ एकदम आपको नहीं दिखेगा कि मतलब यू टर्न पे अगली और यू टर्न है ऐसा नहीं कि 90 डिग्री एकदम यू टर्न है तो सामने से कौन आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादा मुझे तो ट्रक ही दिख रही है तो यू गॉट टू बी वेरी ऑन प्रिवेंटिव्स आपको बहुत सेफ्टी देखना पड़ेगा ठीक है ये देखिए सामने से जैसे भैया हॉर्न बजा रहे हैं ठीक है ये सामने देखिए इन्होंने खुद यहाँ पे रखा हो कि आप हॉर्न बजाते रहे यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़रूरी है हॉर्न बजाना ठीक है क्योंकि सामने से एक अगर कोई सामने से आगे कोई ट्रक कोई कार कुछ भी आ जाए और आपको अगर क्योंकि देखिए ये देखिए सिंगल लेन है और अगर सीधी रोड में अगर आदमी साइड कर सकता है मगर ये देखिए सबसे चीज़ें देखिए आप सामने दिख क्या रहा है अच्छा अभी पूरा आ नहीं रहा ये देखिए गाइस कितने हमने मल्टीपल सिक्स कवर कर लिए हैं ठीक है मीनवाइल मैं इसलिए हाफ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ ट्रैफिक लग गया तो उसको अपनी गाड़ी निकलवानी पड़ी तो ऑब्वियसली फनी है बट ये भी फैक्ट है तो ठीक है इस तरीके से हम लोग शायद 5-6-7-8 ज़िगज़ैग्स कर चुके हैं क्या भैया इतने हो चुके हैं आई गेस इतने ही और होंगे ठीक है बहुत अच्छे खासे एलिवेशन पे हाँ आप वो एलिवेशन हमारा बढ़ता जाएगा क्योंकि कोई बैरिकेडिंग नहीं है कुछ नहीं है आई थिंक इतनी अच्छी रोड बनाई है यहाँ पे अभी मैंने इतना अप्रिशिएट किया था गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ी बैरिकेडिंग्स हो सकती थी देखिए अगर लोहे की बैरिकेडिंग लगाएंगे ट्रक को तो ऐसे भी नहीं रोक पाएंगी मगर एटलीस्ट छोटे मोटे कार्स जैसे हम लोग की कार है नेक्सॉन है इतनी कार्स को एटलीस्ट अगर छोटा मोटा अगर आदमी वो डिसबैलेंस हो तो रोक लेंगे बट रीजन है ना बैरिकेडिंग ना होने की क्योंकि दो गाड़ियाँ तभी निकल पा रही हैं थोड़ा सा एकदम पतली बैरिकेडिंग कर दें स्ट्रॉन्ग मेटल की क्योंकि मतलब खैर हमको इसमें जितने नॉलेज नहीं है कि बैरिकेडिंग करना सही रहेगा कि नहीं बट क्योंकि एकदम नीचे बहुत मतलब अगर तो हर जगह नहीं कर पा रहा ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे नेचर कितना सुंदर भी हो सकता है और कितना डरावना भी हो सकता है
बीच में हमारी गाड़ी फंस गई थी 20 मिनट के। पता नहीं पर जैसा लग रहा ये फंस गई थी। देखिए एकदम स्ट्रेच ऑफ लैंड यहाँ पे, देखिए बहुत बहुत ज़्यादा एलिवेशन मतलब चढ़ाई हो जाती है। और नॉर्मल ठीक है कार तो चल जाए, मगर जो लोडेड ट्रक्स सर ये हैं उनमें अगर हल्का भी, उनकी भी एक लिमिट होती है। ये देखिए हमारा भाई हेल्प कर रहा था। यहाँ पे इस आदमी को बार बार निकलना पड़ेगा, बार बार आदमी को निकलना पड़ेगा, वरना क्योंकि सामने से एकदम नहीं दिखता कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, और कोई बैरिकेडिंग्स नहीं है भाई। बहुत क्रेजी सीन्स है यहाँ पे, मतलब इतनी कठिन रोड है। अगर आप सोचो कि आप अकेले यहाँ पे आज और आप कर लोगे, इवन दो लोग के साथ मुश्किल है, क्योंकि नहीं, नहीं, चार लोग चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इतनी अंधी मोड़ और वो है, ऐसे ऐसे है कि आप इस रास्ते 3-4 बार आए नहीं हो। एग्जैक्टली या तो आपके साथ लोग हों कि आपको बार बार उतर के बताते रहे कि भाई आगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत टफ है मतलब गाड़ी चलाना। क्यों रोक रहे ये देखिए गाइस, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ बॉटलें फेंकी हुई हैं, सिर्फ बॉटलें फेंकी हुई हैं। और हम लोग लेह लद्दाख के एरिया में हैं, और कितनी बॉटलें बिस्लरी की, कोल्ड ड्रिंक की, स्प्राइट की, बहुत देख के बुरा लगता है। आप इतनी अच्छी जगह पे आ रहे हो, इतनी अच्छी रोड्स बनाने की कोशिश कर रही है एटलीस्ट गवर्नमेंट इतने कठिन एरिया में, और आप बॉटल फेंक फेंक के आप आते हो टूरिस्ट की तरह, कुछ ही फेंक के चले जाते हो। और वो अच्छा मुझे लगता है गवर्नमेंट ने क्या किया कि जानबूझ के सभी जगह फेंके हैं, लोगों को गिल्ट फील कराने के लिए कि देखिए आप लोग कितना फेंक देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें चढ़ाना पड़ता है, और अगर आपने वीडियो में देखा हो दिख भी नहीं रहा ऊपर की ऊपर मतलब क्या है कैसे है। वीडियो जस्टिफाई नहीं करता, वीडियो जस्टिफाई नहीं करेगा कि कितनी यहाँ पे उतर के सामने से नहीं मिला। एग्जैक्टली और कई बार आपको आपके दोस्त को आपके जो आपके साथ आप उनको उतरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आप रुकिए आप चलिए, वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा था, मैं खुद एक बार उतर करने बताया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको नहीं पता कि स्ट्रीम कितना गहरा है। एग्जैक्टली कोई भी वैसा हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इतने ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रोड बनाना और उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अब रोलर्स तो आ नहीं सकते, तो वही चीजें कैसे रोडे बनाना तो काफी मुश्किल है। तो ये कमी और अभी भी हमारा घाटा लूप ही चल रहा है, अब खत्म होने वाला है ये, ऑलमोस्ट लास्ट है बिल्कुल। देख सकते हैं आप कुछ नहीं दिख रहा, ये देखिए लेफ्ट में कुछ नहीं दिख रहा। अब जैसे जैसे मोड़ता हूं तब दिखता है, तो तब भी बहुत नॉर्मल था। गोइंग टू द स्काई स्ट्रेट। ओके गाइस, ये लाचुगला में आ गए हैं, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट एक टाइम पे पास था ये शौर्य चक्र। सबसे पहली बात तो उस्ताद साहब को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है, छोटे उस्ताद आए हैं इस समय ड्राइविंग करने, और बस सीटें देखते रहिए। मगर मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तारीफ कर दी थी रोड की, क्योंकि वहाँ तक का पैच बहुत अच्छा था, उसके बाद से मैंने वीडियो बनाया नहीं इसलिए क्योंकि इतना ख़राब रोड है। हालांकि सर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक साल में हो जाएगा सर कंस्ट्रक्शन, फिलहाल तो नहीं है, तो इसीलिए अभी रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप फेंट हार्ट इंसान हैं, थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि यार थोड़ा हाइट वाइट इस लाइफ में तो मत आइएगा, ये थोड़ी सी मतलब नॉर्मल आज लोग आ सकते हैं, बट थोड़ा जिसको है इश्यूज वो ना आए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं गाटर लूप से और थोड़े और भी दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ऊपर नीचे है। तो अभी हम लोग को जाना बेसिकली हमको सोमोरेरी है, और यहाँ से अभी हमको लगभग 4.5 घंटा लगेगा, और फिलहाल पहला पॉइंट पांग है, पांग के बाद ही सोमोरी से डायरेक्शन चेंज होगा। गाइस अगर आप जिस पास से अगर आ रहे हैं लेह की ओर, तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस कुछ पैचेस में ही अच्छा रास्ता है, वरना 70-80% तो ख़राब ही रास्ता है मतलब। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस हम लोग ये पांग के आगे आ गए हैं, पांग तक तो आपने अभी तक देख लिया, रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बस हमने किस तरीके मैनेज किया है, और काफ़ी नो टाइट भी हो गया इस वीडियो प्रोसेस में। अगर आप ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अक्टूबर 2024 में, तो अभी तो रोड काफ़ी कंडीशन ख़राब है, मुझे लगता है 6 महीने से 8 महीने या 1 साल भी लग सकता है रोड होते तब तक, अभी कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, मगर उसके बाद रोड बहुत बेटर हो गई। हम लोग सोमुरी रोड को टर्न करना था, एक डाइवर्शन है तो हमने वहाँ से डाइवर्शन ले लिया,
और उसके बाद सिंगल लेन हो जाती है, मगर आप सिनेरियो देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर हो जाएगा एंड रोड कीप्स जस्ट गेटिंग बेटर। सो आप बस वहीं तक टायर्डनेस था, बट आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा है, तो आप व्यू इंजॉय कर सकते हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सोकर लेक, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा कैसी है। तो सोमरी जाने में रास्ते में काफ़ी लेक्स पड़ती हैं, जैसे कि सोकर हो गई, कायकरसो हो गई, ये सब उन्होंने रास्ते में कवर करी, फिर पुका वैली भी कवर किया, बट हमको डेलाइट में पहुंचना था सोमरी लेक, तो उसको हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हम सब लोगों ने नेक्स्ट डे सब कवर किया था। तो मगर आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो बहुत ज़्यादा सीनिक है, जितना इसको हम वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सीनिक था। सो ये हमारा पैच है जब हम लोग सोमरी जा रहे हैं, तो ये पैच है, बहुत ही अच्छा है, मतलब रोड एकदम अच्छी बनी हुई है और आप आराम से यहाँ पे 50, 60, 70, 80 आराम से चला सकते हैं, क्योंकि एकदम नई रोड बनी है, आप देख भी सकते हैं। और लाइक पूरे लेह लद्दाख में दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक एंड ब्यूटिफुल लाइक यू नो लैंडस्केप विच वी केम अक्रॉस। तो इसके बाद फिर हम लोग का डायरेक्ट स्टॉप सोमरीरी ही था, हम लोग कहीं और रुके नहीं थे क्योंकि हमको डे लाइट ही पहुँचना था और ऑब्वियसली काफ़ी हम लोग टायर्ड भी हो गए थे, तो उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो जो नेक्स्ट डे रूम का और पूरा जो हमारा सामने सोमरीरी लेक है पूरा उसका व्यू नेक्स्ट डे हमने बनाया, तो तक आप ये व्यू इन्जॉय करिए और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।